आज जिसे काबा मस्जिद बोलते हैं उस समय काबा मंदिर था। अच्छा, जिसे महात्मा गांधी बोलते हैं, जब उसमें साहस नहीं होता था कि वो इस्लाम की वास्तविकता बता सके, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे डंके की चोट पर इस्लाम की वास्तविकता सामने उजागर की। जो मेहर देते हैं, मेहर का एक्चुअल शब्द होता है उजूर। उजूर क्या होता है? उजरत। उजरत क्या होता है कि मैं इसके शरीर को यूज करने वाला हूँ, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। जो औरत शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जो महिलाओं के जननांग होते हैं उन्हें औरत कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी। औरंगजेब की वास्तविकता यह है कि वो एक पूरी तरह से नीच जिहादी था, जैसे आज आपको ISIS वाले में देखने को मिलता है। मेरी जो पुस्तक है वो केवल इस पे ये बताते हैं कि किस प्रकार से स्कूल के बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हमारे देश को, हमारी पीढ़ियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसे स्वीडन में 2 बार कुरान को पब्लिक फोरम पे जलाया गया, स्वीडन की गवर्नमेंट ने जो जला रहे थे उसको प्रोटेक्शन दिया। क्या आपको लगता है कि दुनिया भी जाग रही है, उनको भी पता चल रहा है कि इट्स अ प्रॉब्लम और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा? नमस्कार, आज हमारे साथ हैं नीरज अत्री जी। नीरज साहब को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनके लिए 2 शब्द कह देते हैं। पहले फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके और अब हिस्टोरियन हैं। नीरज जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोनर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नीरज जी, हमारी टीम ने आप पर बहुत अच्छा रिसर्च किया है, तो सीधा पहला सवाल एकदम बैंगोन ही पूछूंगा। सबसे पहले आपने एक बुक लिखी है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक, उसके बारे में कुछ बताइए। वो पुस्तक है कि किस प्रकार से हमारे इस पूरे देश को ब्रेन वॉश किया जा रहा है एजुकेशन के माध्यम से। वैसे तो बहुत सारे उसके आयाम होते हैं कि जो मास मीडिया है उसके थ्रू, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके थ्रू भी किया गया है, लेकिन मेरी जो पुस्तक है वो केवल इस पर ये बताते हैं कि किस प्रकार से स्कूल के बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हमारे देश को, हमारी पीढ़ियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ, वो पूरी पुस्तक एग्जांपल्स से ही भरी है। उसमें मैंने जो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो क्या है कि जो अभी बच्चे NCERT में पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हम जानते हैं, उनमें वास्तविकता में क्या लिखा गया है। जैसे एक अगर आपको एग्जांपल दूं जो बड़ा फेमस हो गया है कि एक सूफी होता था अमीर खुसरो नाम का 14वीं सदी में। अब सूफी के नाम पे अपने देश में क्या, वो लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा भला मानस होगा जो बड़ी शांति की बात करता होगा, तो ऐसा नहीं है। सूफी भी उतने ही फैनेटिक, उतने ही जिहादी मानसिकता वाले थे जिस मानसिकता का औरंगजेब था। इनफैक्ट औरंगजेब भी सूफी था, बहुत कम लोग जानते हैं। क्या बात है जी। तो अब और अगर आप पूरी की पूरी उसकी वाङ्मय पढ़ेंगे जो इसमें अमीर खुसरो ने लिखा, तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार का नीच व्यक्ति था, जो भारत विरोधी भी था, हिंदू विरोधी या काफिर विरोधी, तो ये सब होते ही है। तो उसने एक जगह पे क्या लिखा है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। और ये जितने आप ऐसे जिहादी देखेंगे उनमें आपको 90% वो लोग मिलेंगे जहाँ पर एक मुस्लिम आक्रांता ने किसी हिंदू महिला को उठा के लेके आया, उसके साथ कहने को निकाह किया और फिर वहां से संतति उत्पन्न हुई। तो अमीर खुसरो भी ऐसी एक संतति था जो एक बलात्कार से जन्म हुआ था इसका। तो क्या बताता है कि मेरा जन्म हिंद में हुआ, तो मैं यहाँ की भाषाओं का सम्मान करते हुए कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राचीन समय से जो भाषाएं चली आ रही हैं वह सिंधी, लाहौरी, द्वार समुद्री, तेलंगी, गुजरी, डोगरी, मालाबारी, बंगाली और 2-3 नाम उसने और दिए हैं। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये सारी की सारी भारत की भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रांतों में चलती रही हैं प्राचीन काल से, और एक भाषा है जो इन सबसे विशिष्ट है, वो है संस्कृत, जिसे ब्राह्मण लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। ये उसका कोट है। जब आप NCERT की किताब खोलते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? उसने बोला मेरा भारत में जन्म हुआ, मैं इसलिए इसकी प्रशंसा करते हुए इसकी भाषाएं बताऊंगा। इस वाक्य को हटा दिया गया। शुरू करते हैं कि अमीर खुसरो ने बताया कि इस भूमि में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं हैं। फिर यही लिस्ट जो मैंने आपको बताई वो आ जाती है। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि अमीर खुसरो ने बताया कि संस्कृत किसी भी प्रदेश की भाषा नहीं है, इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। आप तुलना करके देखें, उसने जो 4 लाइनें लिखी हैं उसमें से क्या 4 संदेश जाते हैं उनको, आइए
पहली चीज, भारत की विविधता कितनी बड़ी है, शुरू कहाँ से कर रहा है, बिल्कुल उत्तर पश्चिम में सिंध से आरंभ करता है और पूर्व में बंगाल तक जा रहा है, उत्तर में कश्मीर से आरंभ करता है, मालाबार यानी केरल तक जा रहा है। तो इस एक वाक्य में स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक ज्योग्राफिकली देखेंगे तो एक जुड़ी हुई एक आइडेंटिटी है जिसे वो हिंद कह के बुला रहा था। ये उन्होंने खत्म कर दिया एनसीईआरटी वालों ने, ताकि बच्चों में कहीं ये संदेश ना चला जाए कि आपका जो देश है ये सदियों पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनको नैरेटिव क्या बनाना कि टूटा हुआ देश था। जैसे राहुल गांधी आजकल बहुत फेमस हो गया उसका कोट कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि एक आर्टिफिशियल एंटिटी बनी है। पहला तो ये संदेश इन्होंने गलत दिया। दूसरा संदेश क्या गलत दे रहे हैं कि प्राचीन का, वो प्राचीन काल की बात करें, इसमें प्राचीन काल कहीं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनका एजेंडा है पूरे देश को तोड़ने का, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे। तीसरा, इसी में क्या एजेंडा चलता है कि जो संस्कृत भाषा है वो यहाँ की नहीं है। चौथा क्या है कि ब्राह्मण विदेशी थे, केवल उन्हें भाषा आती थी। तो चार तोड़ने के स्तंभ आपको ये सातवीं क्लास के एक पैराग्राफ में देखने को मिल जाते हैं। मतलब डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था वो पर्टिकुलरली मुगल या मुसलमान ही लेके आए इस देश में, किस तरह से? देखिए, अब ये मुसलमान था, सूफी था, वो तो आपको स्पष्ट बता रहा है कि देश जुड़ा हुआ है। ये आज के जो गद्दार हैं, जो आज के मक्कार नेता हैं, वो इसको लेके आ रहे हैं कि हमने इस देश पे तोड़ना है। सही बात है। आपने औरंगजेब का नाम लिया। औरंगजेब हम जानते हैं कि एक अत्याचारी शासक था, पर उसको भी बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, उसका क्या रीजन है और औरंगजेब पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहला आपने पूछा कि उसे ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर यदि आप हमें समझना है तो हमें देखना पड़ेगा, हम कुछ आइडियोलॉजीज को बोलते हैं टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज, तानाशाही विचारधारा होती है। जब इसमें नाम लिया जाता है तो जनरली क्या बोलता है, फासीवाद और नाजीवाद। ये दो शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे कि ये फासीवादी है, नाजीवादी है, यानी ये तानाशाह है। लेकिन ये तो भी पिछले 100 वर्षों की विचारधारा है। आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ लीजिए, पूरी तरह से टोटलिटेरियन है। इस्लाम को पढ़ लीजिए, टोटलिटेरियन है। टोटलिटेरियन किसे कहते हैं? कि जो आपके जीवन के हर आयाम पे नियंत्रण चाहता है। अब नियंत्रण एक तो शरीर का आता है। इस्लाम में पूरे विस्तार से बताया गया कि अगर आपको सुबह उठना है तो पहले आपको नाक साफ करिए, क्योंकि नाक में रात को शैतान बैठा हुआ। आपको पहले बाएं पैर को नीचे रखना है। आप खाना करने जा रहे हैं तो वहां भी आपको बाएं पैर रखना है, वहां भी आपको अल्लाह को याद करना है। तो एक तरह से आपका एक एक जो एक्शन है वो कंट्रोल्ड है। पर उससे भी बड़ा है कि आपके माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं कि अगर तू ये अल्लाह के बारे में सवाल भी पूछेगा तो तू काफिर हो जाएगा। ये होते हैं टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी। तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मार्क्सिज्म, आजकल उसे वोकिज्म कहते हैं, ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज है। और इनका, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज का पहला नियम क्या होता है, जो कम्युनिज्म ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि जो नीचता आप करते हो उसका आरोप दूसरे पे मढ़ो, और जितना बड़ा झूठ बोलो, अंग्रेजी में उसे द बिग लाई बोलते हैं, जितना बड़ा बोल सकते हो उतना बड़ा झूठ बोलो, क्योंकि सुनने वाला ये विश्वास ही नहीं करेगा इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता। तो औरंगजेब के केस में ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि उसको भी इतना सौम्य दिखाने का प्रयास करो कि फिर एक तो लोग हैरान हो कि यार अगर वो बोल रहे हैं तो इतना बुरा तो नहीं हो सकता, पर बाकी की उसकी तुलना में और ज्यादा सौम्य लगने दिखाई दे जाते हैं। तो एक तो ये आया कि क्यों कर रहे हैं, दूसरा आपने पूछा कि मेरे क्या विचार है। तो मैं अपने विचार दूंगा तो उसमें कुछ बायस हो सकता है, उसमें मेरा कोई पूर्वाग्रह हो सकता है, लेकिन हमें इसमें जानना चाहिए कि तथ्य क्या है। तथ्य ये है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में हमारे देश के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है। और इसका हमें जो यदि कोई साक्ष्य चाहिए तो उसके दरबार में जो अखबारात छपते थे, अखबार शब्द हम जानते हैं, वो मुगल काल में छपने शुरू हो गए थे, लिखने शुरू हो गए थे। आप उन्हीं को पढ़ते हैं तो आपको दिखाई दे जाता है कि वो अपने शब्दों में बता रहा है कि उसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है, जिजिया कर लगाया है, और यदि कोई मुसलमान से हिंदू बनता है तो उसे
एक रुपया प्रति महीना उस समय वजीफा भी दिया जाता था और उसे हाथी की सवारी करके पूरे नगर में घुमाया जाता था ये दिखाने के लिए कि जब आप मुसलमान बनोगे तो आपको सम्मान मिले, सेलिब्रेट किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, उसे ग्लोरीफाई किया जाता था। तो इसलिए मेरे विचारों को छोड़ दें, औरंगजेब की वास्तविकता यह है कि वो एक पूरी तरह से नीच जिहादी था, जैसे आज आपको ISIS वाले लोग देखने को मिलते हैं, कट्टरपंथी वाला था। आपने टेम्पल डिस्ट्रक्शन की बात की, हमने पढ़ा है कि ज्ञानवापी मंदिर जो था वो भी औरंगजेब के समय में ही तोड़ा गया, तो क्या ये सच है पहला? और दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद का भी जो विवाद चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है? पहला तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि अखबारात पढ़ लीजिए, उन अखबारों में स्पष्ट डेट भी लिखी हुई है कि इस डेट को जो शहनशाह ने फरमान जारी किया था उसके तहत शहनशाह के लोग गए वहां पर, उन्होंने मंदिर को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को ध्वस्त किया और कुछ मूर्तियां लेकर वो यहाँ दिल्ली में आगरा में पहुंचते हैं ताकि जो जहां आरा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में उनको चिणवाया जा सके कि मुसलमान जब मस्जिद में जाएं तो मूर्तियों पे अपने पैर साफ करते हुए जाएं। मतलब आज अगर वो आरा मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो वो मूर्तियां निकलेंगी? जी, वहां से वो मूर्तियां निकलेंगी। इसका भी मुझे लगता है वो विष्णु जैन जी ने जो पिटिशन डाली है कि सर्वे करवाया जाए, यदि वो वहां सीढ़ियों के नीचे का करवाया जाएगा तो वहां से वो मूर्तियां निकलेंगी। ये सारी चीजें करवाने का तात्पर्य क्या हो सकता है? क्या वो हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे क्या? जी हाँ, देखिए इस्लाम का यदि आप पूरा इतिहास देखेंगे, इस्लाम शुरू किसने किया? एक आदमी था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इसने शुरू किया। उसने अपने जीवन काल में क्या किया? आज जिसे काबा मस्जिद बोलते हैं वो उस समय काबा मंदिर था। अच्छा। उसके अंदर और उसके आसपास 360 भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां थी। जिस दिन इसने मक्का को जीता वहां जाके उन 360 मूर्तियों को तोड़ा गया, तो वहां से तोड़ने की परंपरा आरंभ होती है। और अब उस समय तक एक शहर बचता था ताइफ नाम का, जिससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे था, आज भी वो शहर है। उन्होंने हार नहीं मानी थी मोहम्मद से, लेकिन जैसी उन्हें हार माननी पड़ी, उनके वहां भी देवी की प्रतिमा थी जिसमें उन्होंने मोहम्मद से ये कहा कि हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं लेकिन हमें 3 वर्ष का समय दे वो कि हमारी मूर्ति को ना तोड़ा जाए। मोहम्मद ने इनकार कर दिया, उन्हें बोला 1 वर्ष का समय दे दो, इनकार कर दिया, बोला 6 महीने का समय दे दो, इनकार कर दिया। फिर ये बोला गया कि यदि जीवित रहना चाहते हो, इस्लाम कबूल कर रहे हो, तो इस मूर्ति को तोड़ा जाएगा। सिर्फ क्या कंसेशन दिया उसने बताया? उन्होंने बोला कि हमारे कबीले का कोई व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं। तो उसने अपने लोग भेजे जिन्होंने वो मंदिर भी तोड़ा और वो मूर्ति भी तोड़ी। ये उसके जीवन काल से आरंभ होता है। दूसरा साक्ष्य जो उसी के जीवन काल का है कि कुछ क्रिश्चियंस आए थे उसके पास, उसको इसने किसी तरह से धमकाया, उन्होंने बोला ठीक है हम इस्लाम स्वीकार करते हैं, और उसे अपनी जो एवल्यूशन करता था, वुजू करता था, उसके बाद वो पानी का एक उनको बर्तन दिया कि पानी लेके जाओ, वहां जो तुम्हारी चर्च है उसको तोड़ो, वहां पे पानी छिड़क के वहां पर मस्जिद बनाओ। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि वो लीनियज आज तक चली आ रही है। इसे आज हम इस्लाम बोलते हैं, आज से केवल 50-60 साल पहले तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसे मोहम्मदनिज्म कहा जाता था। अच्छा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के अनुसार चल रहा है। तो यदि मोहम्मद ने अपने जीवन काल में ये किया तो वही आपको आज तक वैसे का वैसे दिखाई दे रहा है। तो ये जो कट्टरता हमें दिख रही है वो मूल स्वरूप है मतलब कि इस्लाम का। हाँ। जो मोहम्मद से चालू होकर अभी तक हम हर जगह पे थोड़ी बहुत देख सकते हैं। दूसरा, हमने पहले बात की सूफीज़म की, हम बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में सूफी संतों को तो भगवान दिखाया गया है। अजमेर शरीफ में ये हमारे एक्टर लोग जाते हैं हिंदू, वहाँ जाके अपना माथा टेकते हैं। अजमेर शरीफ की भी जो हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और सूफीज़म को हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और आप समझाइए कि किस तरह से उसने इस देश में हिंदुओं को ह्यूमिलिएट किया, कन्वर्ट किया, किस तरह से परेशान किया। देखिए, पहली बात आपने जो बॉलीवुड वाली बात की, तो एक तो एजुकेशन सिस्टम रहा हमें ब्रेन वॉश करने का, दूसरा उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव रहा
बॉलीवुड, आपने गाने सुने होंगे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, हाँ, और अभी रिसेंटली एक जो आया था भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ठीक, हाँ। अब मोहम्मद तो आपको बता दिया कि कैसा व्यक्ति था, अभी और इसमें जो चीज है, मोहम्मद ने अपने जीवन काल में ही ये एक स्ट्रेटेजी बनाई थी इस्लाम को बढ़ाने के लिए कि जहां पे आपका कब्जा हो जाए जितने मर्द हैं उनको मार दो, उनकी महिलाओं पे कब्जा कर लो, उनके साथ जैसा व्यवहार दुराचार यौनाचार करना चाहते हो कर सकते हो। उसके जीवन काल में ही हुआ, मोहम्मद ने स्वयं भी किया, बच्चों को मंडियों में ले जाके बेचा, मोहम्मद ने स्वयं भी बेचा, ठीक। वही आपको आज की डेट में जो ISIS कर रहा है, उन्होंने यजीदी महिलाओं के साथ जो किया वो एग्जैक्टली उसी की रेप्लिका है। अब आइए सूफियों पर, जो सूफियों की ये जो छवि है कि वो कोई बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति थे, वो बॉलीवुड के माध्यम से इन्होंने इस छवि को स्थापित किया है, और इसका एग्जांपल आपको ये मोइनुद्दीन चिश्ती से ही मिल रहा था जो अजमेर वाला था। पहले इन्हीं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ था कि उसकी दो पत्नियां थी, जो दूसरी पत्नी थी वो कैसे आई ना, पहली पत्नी की बात बता रहा था कि एक दिन उसे सपने में मोहम्मद दिखाई दिया और मोहम्मद ने बोला कि तू बहुत एक पायस मुसलमान है लेकिन तू मेरी सुन्नत पे नहीं चल रहा। उसका अर्थ ये था कि शादियां करो, काफिरों की महिलाओं को अपने कब्जे में लो और उनसे बच्चे पैदा करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उस समय का अजमेर का जो मुसलमान कब्जा के अवशासक था उसने हिंदुओं पे हमला किया, एक हिंदू राजा की जो बेटी थी उसे उठाकर आया था, वो उसने इसे भेंट में दी, इसने उससे निकाह किया, उसका नाम रखा उमैतुल्ला बीबी, और फिर उसके साथ इसने उसे अपने हरम में रखा, उसके बाद दूसरा निकाह किया। तो जो किडनैप की हुई बच्ची के साथ निकाह करता है उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा होगा आप आराम से समझ सकते हैं। दूसरा, उसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री क्या है, ये जो हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि जहां पर आज उसकी दरगाह है वहां पर एक देवी का मंदिर था जिसके ऊपर ये दरगाह बनाई गई, और जिस समय इसने अजमेर में जाके अपना वहां पर घर बनाना था तो पहले क्या करता था, इसके लोग जाते थे गाय उठा के लाते थे, रोज उस गाय को हिंदुओं के सामने काटा जाता था और फिर वो एक दूसरे को उसका मीट खिलाया जाता। ये आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा कि गाय काटना क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदू नहीं चाहते गाय काटी जाए, इसलिए गाय काटो ताकि उन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना नीचा दिखाया जा सके, अगेन ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना। और फिर वहाँ का जो राजा था उसे जब ये लगा कि ये सूफी बहुत स्ट्रांग हो चुका है तो उसने बोला आप बताओ आप यहाँ रहना चाहते हो तो कहाँ रहना चाहोगे, तो उसने तब ये जगह बोली कि ये जो जहाँ आज दरगाह मैं वहाँ रहूँगा, फिर वहां स्पेशली एक गाय लाके वहां पे पहले काटी गई और फिर वहां पे इसने अपनी दरगाह। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसा चरित्र था इसका। आपने ये जो अजमेर शरीफ की बात की उसमें किस तरह से इस्लाम में औरतों को ट्रीट किया जाता है उसके बारे में भी काफी बताया। हम आपके थ्रू हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि जो एक मुस्लिम महिला है और दूसरी जो हिंदू महिला है पर जिसको ये मुस्लिम लड़के फंसाना चाहते हैं, उन दोनों को आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझाइए कि इस्लाम सही में औरतों को क्या समझता है, क्योंकि इस्लाम की औरतें तो बोलती हैं ये हमारे क्या कहते हैं शांति का धर्म है, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसे आप बोल के हमारी हिंदू लड़कियों को वापस कन्वर्ट करती है उनके भाइयों के साथ रिलेटिव्स के साथ, उस पर आप उनको कुछ बताइए। इसमें पहली चीज़ तो आप जो शब्द औरत बोल रहे हैं ना उसी से समझ जाइए, एक बॉलीवुड की फिल्म थी उसमें एक लेडी डायलॉग मारती है कि इस्लाम में तो औरत को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया कि हम उसे पर्दे में रखते हैं। अब ये एक सेंटेंस कितना मूर्खतापूर्ण है आप कल्पना करके देखें, जिसे ऊंचा दर्जा दिया उसे पर्दे में छुपा के रखते हैं, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो औरत शब्द है इसका अर्थ क्या है, जो महिलाओं के जननांग होते हैं ना उन्हें औरत कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनकी दृष्टि महिलाओं के लिए केवल वही है कि इसका यही एक कार्य है, इसलिए उन्होंने महिला को ही औरत कहना आरंभ कर दिया। तो एक शब्द से आप जान सकते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का स्थान क्या है।
ये तो एक पॉइंट हुआ। कुरान खोल के देखेंगे, सूरह निसा है, चौथी सूरह है, उसकी आयत नंबर 24 और 34 पढ़ लीजिए। एक में क्या बताया है कि तुम अगर तुम्हें शक हो कि तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो इसके साथ सोना छोड़ दो, फिर भी नहीं मानती तो तुम उसे पीट सकते हो, ठीक। दूसरी में क्या लिखा है कि जब तुम जिहाद पीट सकते हो, ऑफिशियली लिखा हुआ कुरान में लिखा हुआ है, अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर दूसरा इनका सोर्स आता है हदीसों का, मोहम्मद की अपनी हदीस क्या है कि अगर जब कयामत का दिन आएगा तो सबका जजमेंट किया जाएगा कि कौन अच्छा काम करता है कौन बुरा काम करता है, तो उसमें ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम अपनी बीवी को क्यों पीटते थे। तो पहली चीज आप पीट सकते हो, और दूसरी क्यों पीटते थे आपके किसी कुकर्म में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको तो अल्लाह ने गिनती में नहीं लाना। तो यहां से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो दूसरी आयत है वो क्या है कि जब तुम जिहाद करने के लिए निकलो तो अगर काफिरों की महिलाएं तुम्हारे हाथ में आ जाती हैं, उसके लिए अरबी का फ्रेज है मा मलकत अयमानुकुम, कि तुम्हारे कब्जे में आ गई हैं, अब तुम उनको जैसे चाहो वैसे उनका उपयोग दुरुपयोग आपने जो सोचना वो कर सकते हैं। तो ये है महिलाओं का स्थान इस्लाम में। इतनी हद तक विकृति को उन लोगों ने स्वीकार्यता दे दी है जी। सर, हम मुसलमानों में महिलाओं की परिस्थिति पर बात कर रहे थे, तो हिंदू महिलाओं को आपकी क्या नसीहत होगी जो किसी मुसलमान के प्यार में है, जिसको लगता है कि ये हमें क्या करके देगा, उनके लिए आपकी नसीहत क्या है सर? उनके लिए देखिए क्या होता है कि बॉलीवुड ने एक फ्रेज बड़ी पॉपुलर कर दी है कि प्यार अंधा होता है। इस चीज को मुसलमान लड़के बड़े अच्छे से एनकैश करते हैं, वो जब लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं तो सबसे पहले उसे वो वैक्सीन लगाते हैं। वो वैक्सीन नहीं होता है कि जब तू अपने घर पे बात करेगी ना मेरे बारे में, मेरे मन में तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं आता, लेकिन वो बोलेंगे कि वो मुसलमान है, हम उससे तेरी शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे बुरा समझेंगे। तो विक्टिम कार्ड वो पहले लड़की के सामने खेल चुका होता है। तो जब लड़की घर में बात करती है एग्जैक्टली वो होता देखती है तो उसे अपने उस सोपर्ड अब्दुल पे और अधिक प्यार आता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल गेम है उसमें वो पहले से लड़कियों से कहीं आगे होते हैं। अब फिर भी लड़कियां जो इस जाल में फंस जाती हैं उनको सजेशन क्या दी जा सकती है कि पहली सजेशन कुरान पढ़ लो, इस्लाम समझ लो, जो मैंने ये दो चार आयतें बताई केवल उतनी देख लो, उनसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप उस कैटेगरी में हैं जो बोलते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो आपके पास आगे दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि वो आपको इस्लाम कबूल करने की बात करेगा, अगर आपने कर लिया तो आपने रास्ता खोल दिया कि अब तीन सौतने आपको और झेलनी पड़ सकती है। तो इससे बचने का ऑप्शन क्या है, उसे बोलो कि मैं अगर मुसलमान बन सकती हूँ तो तू हिंदू बन सकता है, तो तू हिंदू बन जा, मैं तुझसे शादी करने को तैयार, हम मना नहीं करते। अगर वो उसमें आनाकानी करता है तो आप समझ जाओ कि वो कितना सच्चा आपको प्यार करता है, क्योंकि आप अगर अपना धर्म छोड़ के उसके मजहब में जाने वाले थे तो आपका प्यार तो सच्चा है, लेकिन क्या वो उतना सच्चा करता है कि वो वापस आपकी तरफ आ सकता है? अगर ये आपको एक्सट्रीम लगता है, मान लीजिए हालांकि बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है, अगर आपको कन्वर्ट होने को कह सकता है तो आप भी उसे कह सकते हो, आप भी कह सकते हो। अगर ये फिर भी आपको एक्सट्रीम लगता है, क्योंकि हिंदू बच्चियां काफी हद तक वल्नरेबल होती है और उन अपने धर्म में वो रूटेड नहीं होती है, तो आपके पास ऑप्शन है स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंतर्गत शादी कर लो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के। हाँ, क्योंकि उनमें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, जो इस्लाम में होता है वो जो लिखा जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें भी आपको एक बात ध्यान में ला दूं, उसमें वो जो मेहर देते हैं, मेहर का एक्चुअल शब्द होता है उजूर। उजूर क्या होता है? उजरत। उजरत क्या होता है कि मैं इसके शरीर को यूज करने वाला हूँ, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये लोगों को नहीं पता कि वो क्या शब्द है और महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है। जो निकाह वो और निकाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो पेनिट्रेशन होता है। क्या बात कर रहे हैं जी? आप जितना इन शब्दों को समझेंगे आपको उतना अचरज होगा, उतना अचंभा होगा। उनके लिए मतलब औरत, सारी औरतें मशीन ही हैं। औरत शब्द ही अपने आप को बता देता है, निकाह आपको बता देता है,
मेहर और उजरत आपको बता देती है कि वो क्या है। तो क्या आप ऐसे विचारधारा में जाना चाहती हैं जो आपको औरत के रूप में देखता है, जो आपको मेहर दे रहा है तो उजरत के रूप में दे रहा है, और आपको तीन सौतनों के साथ शेयर किया जा सकता है, प्लस कुरान में आयत क्या आती है कि अगर आप अपनी बीवी बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, केवल आपको करना क्या है कि वो जो आपने इसको पैसे बोले थे दूंगा उसे दे देंगे, ये स्टेटस होगा आपका यदि आप इस्लाम में जाती हैं तो। अब इसके बाद भी कोई हिंदू बच्ची अगर उधर जाना चाहती है तो फिर उसको भगवान नहीं बचा सकता, उसका अल्लाह ही मालिक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ही मालिक हो जाएगा। सर आपने एक तो ये लव जिहाद हो गया किस तरह से ये कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में, दूसरा हम न्यूज़पेपर में हर रोज़ पढ़ते रहते हैं कि कैसे इनोवेटिव अलग अलग तरीके से कहीं जगह पे गेम खिलवा कर, कहीं जगह पे गलत हिंदू आइडेंटिटी बताकर ये लोग हिंदुओं को मुस्लिम बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर नेक्सस है जो ये पूरी चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में करवा रहा है स्ट्रेटजी से पूरी? हाँ वो तो है ही है। देखिए ये जो रिलीजन है ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग क्या है कि आप सनातन धर्म से तुलना करके देखें, आप मंदिर में जाते हैं वहाँ पुजारी जी मिलेंगे आपको, वो आपको बोलते हैं कि रौनक तुझे ये करना है, तो आपके ऊपर कोई बाइंडिंग है क्या? कोई बाइंडिंग नहीं है। और पंडित जी मैं सोचूंगा, करना तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। वहाँ पर काजी जब बोलता है तो काजी के पास इन्फ्लुएंस है अपना काम करवाने का, और लोग बहुत डरते हैं इससे। काजी आपस में नेटवर्क में रहते हैं, तो क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है इसलिए इनके पास वो नेटवर्क। अब नेटवर्किंग का लेटेस्ट एग्जांपल आपने वो देखा होगा, पीएफआई का डॉक्यूमेंट 2047। हाँ, वो तो एक डॉक्यूमेंट बाहर आ गया इसलिए हमें पता लग गया, अदरवाइज ये काम तो वो पूरी अपना पूरा सामर्थ्य लगा के कर ही रहे हैं, और क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है इसलिए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। आप देखिए 2014 से पहले हर चौथे छठे दिन हाईलाइट क्या होती थी कि इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 20 लोग मर गए, इस शहर में गोलीबारी हुई, 15 लोग मर गए, वो सारे इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं सारे के सारे। 2014 के बाद क्या हुआ, जो बीजेपी सरकार आई उन्होंने एक जो पॉजिटिव काम किया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ कर दिया, ठीक कर दिया। अब आपको बॉम्ब ब्लास्ट भी सुनाई देते, आपको मशीन गन चलती, AK-47 चलती सुनाई देती, हेडलाइंस चेंज हो गई, ले तो ये क्यों हुआ, उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी है। उसके बाद आप देखो कि एक लड़की सूटकेस में मिलती है, दूसरी लड़की फ्रिज में मिलती है, तीसरी लड़की अटैची में मिलती है, तो ये आपको एक पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़कियों को ग्रूम कर रहे हैं जो आपने वो वीडियो गेमिंग वाला बताया। तो ये क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइज मशीनरी की तरह काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को टाइम के साथ और लोकेशन के साथ और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ साथ बदल रहे हैं। सर आप जानते हैं कि हमारे ही हिंदू भाई, हम जब उनसे बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि सारे मुसलमान ख़राब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। मैंने तो ये कुरान कई तरीक़ों से पढ़ा है, समझा है, मुझे ये लगता है कि ये कुरान अगर कोई मान रहा है तो फिर वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। आपका आर्गुमेंट क्या है सर, क्या सही में मुसलमान अच्छे होते हैं? ओके, देखिए ऐसा है कि जो मुसलमान है किसी भी समाज की तरह, जैसे कोई भी समाज पूरी तरह से समरूप नहीं होता, ऐसे ही जो मुसलमानों का समाज है वो भी समरूप नहीं, उसमें बहुत विविधता आपको देखने को मिलेगी जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो वहाँ पर भी कुछ सेंसिबल और सेंसिटिव लोग हैं और उन्हें जैसे ही इस्लाम की वास्तविकता समझ में आ जाती है उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए संसार भर में जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है बहुत रैपिडली बढ़ रही है। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हर मुसलमान डेंजरस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इस्लाम को पढ़ा नहीं, उसने कुरान को पढ़ा नहीं, वो मोहम्मद के जीवन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे ही वो, अब ये जिसने नहीं पढ़ा है वो इस्लाम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि कुरान क्या बोलता है कि जिहाद करना। एक्चुअली जिहाद भी हम एक गलत शब्द बोलते हैं, कुरान में शब्द आता है किताल फी सबिलिल्लाह, किताल कत्ल से बनता है, कि किताल करना काफिरों के साथ हर मुसलमान का फर्ज है। अच्छा ठीक, फर्ज है तो दैट मीन आपके पास ऑप्शन ही कि आप ना करो।
और जो नहीं करता है उसके लिए स्पेशल टर्म है कि वो मुनाफिक कहा जाता है, जिसे हम दोगला कहते हैं, कि देखने को मुसलमान है लेकिन सच्चा मुसलमान नहीं। तो ये सच्चा मुसलमान जो होगा वो काफिर से किताल करेगा, तो दैट मीन्स वो रोनिल को भी मारना चाहेगा, वो नीरज अत्री को भी मारना चाहेगा। इसलिए वो एक अच्छा व्यक्ति, वो अच्छा मुसलमान तो है लेकिन हमारे लिए वो खतरनाक है। अच्छा जी, आपने एक्स मुस्लिम का जिक्र किया, जैसे आपने बताया अभी पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी एक्स मुस्लिम की पूरी कम्युनिटी बन रही है। इन लोगों को हम YouTube पे देखते रहते हैं, बहुत गालियाँ, बहुत थ्रेट पड़ते हैं, और वैसे ही जो मुसलमान धर्म छोड़ना चाहते हैं वो शायद इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो डरते हैं। तो अचानक पूरी दुनिया में मुसलमान अब जो नहीं रहे एक्स मुस्लिम्स में, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? ओके, इसमें पहली चीज़ तो कभी भी इस्लाम को धर्म मत बोलिए, क्योंकि हम नैरेटिव वॉर में, इसमें हर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है, इसे धर्म नहीं कह सकते। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसके बढ़ने का कारण जो सबसे बड़ा है वह कि सोशल मीडिया ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। लेकिन उसमें समस्या कहाँ पे आती है? अभी इसी वर्ष जनवरी में मैं केरल जाके आया था। केरल में जो सबसे कट्टर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है वो मलप्पुरम, जहाँ से वो मोपला विद्रोह, जो मोपला हिंदू नरसंहार है वो हुआ था। वहाँ पे जो एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स की। अच्छा। हाँ, उन्होंने बैनर लगा के वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करके कॉन्फ्रेंस की है। मैं वहाँ पे गया था देखने के लिए और वहाँ लगभग 200 एक्स मुस्लिम्स इकट्ठा हुए थे। उनका बताना ये है कि हम इस्लाम को पढ़ चुके हैं, हम मोहम्मद का जीवन देख चुके हैं, वो एक सभ्य समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ दिया। और लेकिन कहने को हमारा ये देश सेक्युलर है, ये राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन एंड कॉन्शियस देता है, लेकिन वास्तविकता में क्योंकि इस्लाम हमें मुर्तद होने पे मारने की अनुमति देता है, इसलिए स्टेट हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है कि हम चाहते हैं कि स्टेट हमारे लिए प्रोविजंस करे ताकि हम इस गंदगी में से बाहर आ सकें। उनका कहना है बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसमें ऑपरेस होती हैं, हमारा शोषण किया जाता है, वो छोड़ना चाहती हैं। तो यहाँ हमारे समाज का दायित्व सबसे बड़ा और हमारे पॉलिटिशियंस का दायित्व सबसे बड़ा हो जाता है कि ये लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं उन्हें अगर हम ये आश्वासन नहीं देते कि आप छोड़िए, आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है और एक सभ्य समाज के लिए बहुत एक कलंक की तरह काम करता है। इसका हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए। इस एक्स मुस्लिम पर से जैसे 10-15 साल पहले अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज ये इस्लाम का जो प्रॉब्लम इंडिया में है उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे थे, पर अब हम देख रहे हैं जैसे स्वीडन में 2 बार कुरान को पब्लिक फोरम पे जलाया गया, स्वीडन की गवर्नमेंट ने जो जला रहे थे उसको प्रोटेक्शन दिया, फुल प्रोटेक्शन, उस पर अभी तक कुछ भी कार्यवाही हुई नहीं। उसी तरह से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली है, फ्रांस है, वो नए नए लॉज बना रहे हैं इस्लाम के विरुद्ध। तो क्या आप लगता है, अब क्या आपको लगता है कि दुनिया भी जाग रही है, उनको भी पता चल रहा है कि इट्स अ प्रॉब्लम और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और या बहुत देरी हो चुकी है? देखिए हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं कि देव असुर संग्राम निरंतर चलता, कभी भी समाप्त नहीं होता, और आज भी ये संग्राम देख रहे हैं और उसी की हम बात कर रहे हैं। जो बेल्जियम ने किया वो उन्होंने अपने संविधान के अंतर्गत किया क्योंकि उनको ये स्वतंत्रता मिलती है। और आप अगर वास्तविकता देखें, जब हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो राइट आपको कब चाहिए होता है, अधिकार आपको कब चाहिए? जब आप कोई कड़वी बात बोलना चाहते हैं। मान लीजिए कि मेरी रोनिल शाह से कोई अच्छे संपर्क नहीं है और मुझे लगता है कि रोनिल ये काम गलत कर रहा है या मोदी सरकार ये काम गलत कर रही है,
तो मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूँ, उनका क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप चाहेंगे मैं आपको बुरा बोलूँ? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, ठीक है? आप चाहेंगे इसका मुंह बंद करो, ठीक? तो वहां पर अधिकार की आवश्यकता होती है कि जब क्रिटिसाइज करना है तब राइट मिलता है। अगर मैं रोनल की प्रेज करना चाहता हूँ तो आप मुझे स्वागत करोगे कि भाई मैं तुझे पैसे भेज रहा हूँ, तू आ मेरे पास, मेरी प्रेज कर। उसके लिए तो कभी भी राइट की आवश्यकता नहीं होती। तो जो बेल्जियम ने किया, जो स्वीडन ने किया, उन्होंने बोला कि अगर आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, आओ और करो, जलाना चाहते हो तो जलाओ। अब हमारे देश में आप नोटिस करें, मनुस्मृति को कितने लोगों ने जलाया? सही बात है, ये फैशनेबल है जलाना, ठीक। लेकिन कुरान को जलाने की बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया जाना चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। ये हिपोक्रेसी, दुबलापन हमारे समाज में घुसा दिया गया है जबरदस्ती। और इवन जब ये स्वीडन वाली घटना घटी, वो एक सॉवरन कंट्री है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यहाँ हमारे देश में बैठे हुए जो लेफ्ट जी, जो कामी वामी इस्लामी है, सब उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, जबकि इन्हें अपने अंदर देख के शर्म आनी चाहिए कि हमने अपने देश के संविधान में ये अधिकार दिया है, लेकिन हम उसी को डराते हैं कि जो इस अधिकार का उपयोग करना चाहता है, उसे डराते हैं कि तू करेगा तो तेरे ऊपर हम मुकदमा दायर कर देंगे। ये सबसे बुरी बात है हमारे देश में, जिसे हमें, अब मुझे लगता है कि सभ्य समाज को एड्रेस करना चाहिए। और जो आपने बोला था कि क्या समाज जाग रहा है या वो टाइम निकल गया है, तो मुझे लगता है कि यूरोप के लिए वो समय निकल गया है। अभी जो वहां पर स्थिति है, वो एक बोलते हैं टिपिंग बैलेंस होता है, वो टिप कर चुके हैं। इससे बच कौन सकता है? दो सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई देती है। एक तो अमेरिका जो जाग गया, वो जो ट्विन टावर पे हमला था उसके बाद, दूसरा है हमारा देश। ये दो ही जगह हैं जहां से इस्लाम की पराजय संभव है। अच्छा, और कहीं से संसार भर में संभव नहीं है। दोनों के कारण अलग है। अमेरिका इसलिए कि वहां पर लोगों में थोड़ी सी जागृति है, बहुत अधिक नहीं आई, लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको थोड़ा सा संभालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का बिल्कुल अलग विषय, क्योंकि यहाँ हमारे पास धर्म है जिसके सामने इस तरह के मजहब, इस तरह की विचारधाराएं कहीं ठहरती नहीं। अगर आप उसके बारे में संवाद करने लगेंगे तो ठहरेंगी नहीं। पर इसका एक बड़ा भयानक आयाम ये है कि देव असुर संग्राम में असुर सदा ही शक्तिशाली रहते हैं। कंस कृष्ण से बहुत शक्तिशाली था, रावण राम से बहुत शक्तिशाली था, वो सदा ही होता है। ये भी बहुत शक्तिशाली है। आप देखिए, उन्होंने कब्जा कहाँ किया? यूनाइटेड नेशंस पे। वहां से प्रस्ताव पारित करवाया गया इस्लामोफोबिया का। इस्लामोफोबिया शब्द क्या बोलता है? इस्लाम का इर्रेशनल फियर। भैया, जिस विचारधारा की किताब बोलती है कि काफिरों को मार दो तो इनका जो गॉड है अल्लाह नाम का वो खुश हो जाएगा, तो उसे डरना चाहिए। रैशनल फियर है, इर्रेशनल नहीं है। पर वो ये मॉडर्न टेक्निक जानते हैं, उन्होंने वहां कब्जा करके इस्लामोफोबिया का रेजोल्यूशन पास करवा लिया, तो वो वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इसको सरवाइव करना चाहते हैं, तो हमें उनसे एक स्टेप आगे बढ़ के काम करना है। आपने अमेरिका की बात की, इंडिया की बात की, यूरोप की बात की। हम सऊदी अरब को देखते हैं जहां से इस्लाम का जन्म हुआ। वहां पे वहां का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब लिबरलिज्म की बात करता है, वो कट्टरता को कम करना चाहता है, उसके एक्शंस में दिख रहा है, वो दुनिया को इनवाइट करना चाहता है। तो क्या वो भी काफिर नहीं हुआ? देखिए, कभी भी जिस व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी भी काम कर रही है, वो जब कुरान को पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि एंटी साइंस, एंटी वुमेन, एंटी ह्यूमैनिटी है, उसे बाहर आने का प्रयास करेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान उसी कैटेगरी के व्यक्ति है, उनको समझ में आया और वो जो स्टेप ले रहे हैं बड़े अच्छे, बड़े रैशनल स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन आप उनका रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में। जो ये कट्टरवादी मुसलमान है, हाँ, वो क्या बोलने लग गए कि मोहम्मद बिन सलमान तो सच्चा मुसलमान नहीं, नहीं काफिर है, काफिर। अब ये सबसे टिपिकल वो एक ना मुहावरा होता है कि चाय से ज्यादा केतली गरम है। तो यहाँ पर जो थर्ड हैंड मुसलमान बने हुए हैं, वो अपने आप को ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखाना चाहते हैं,
उस मोहम्मद की फैमिली से जिसने इस्लाम को आरंभ किया था। सही बात। तो ये सबसे बड़ी डायकॉटमी है मुझे लगता है कि, क्योंकि अब इनका धंधा पानी चलता है ना, आप वहां की जो शाही महिलाएं हैं सऊदी अरेबिया की, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो देखिए, वो वेस्टर्न परिधान पहन रही है, सभ्य समाज वाला काम उन्होंने करना आरंभ कर दिया। और यहाँ पर आप देखें धीरे धीरे, जहां पर आपको बुरका दिखाई नहीं देता था वहां पे उसको थोपना चालू कर दिया है, और यहाँ के जो ये कामी वामी है सारे के सारे मिलके उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। आपने इससे पहले मनुस्मृति की बात की, तो मुझे लगा कि जैसे हमारे टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, उनको सपोर्ट करने वाली पार्टी के लीडर हैं राहुल जी, कन्हैया कुमार, ये लोग मनुस्मृति को तो ऑन फॉरम बहुत गालियाँ देते हैं, कभी कुरान को तो उन्होंने दी नहीं, मुझे लगता है हिम्मत भी नहीं है देने की। तो आपको लगता है क्या मनुस्मृति को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड, मिस इंटरप्रेट किया गया है? नहीं, ना तो मिसअंडरस्टैंड किया ना मिस इंटरप्रेट किया है, वो एक टैक्टिकल मूव है। अच्छा। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्हें लगा कि सनातन धर्म को नेगेटिव इमेज में पेश करना, कैसे करे, वो एक वन बुक वन रिलीजन के माइंडसेट से आए थे। उन्होंने देख लिया था कि बाइबल के अंदर कितनी गंदगी है, जिसके कारण वहां पर सेकुलरिज्म फैलना शुरू किया। यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं यार, ये तो सैकड़ों किताबें हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, षड दर्शन हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, कि उनको ना और समझ आ रहा ना चोर समझ आ रहा है। तो उन्हें एक किताब को पकड़ के उसको मलाइन करना था। अच्छा। तो उन्होंने मनुस्मृति को आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट किया। अब ये वो पीरियड है जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हाथ से लिखना है आपको। जब आप सत्ता में हैं तो आप हाथ से कुछ भी उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो नकली मनुस्मृति बनाई गई, फिर उसे लॉ बुक दिखाया गया कि ये इनकी लॉ बुक है, ये इतनी गंदी है, इसके अकॉर्डिंग चलते थे तो इसे जलाओ। जबकि आप देखिए कि लॉ बुक किसे कहा जाता है, जिसे कोई जो रूलर है उसे एक्सेप्ट करेगा मेरी लॉ बुक। एग्जैक्टली। हमारे इतिहास में एक भी शासक ऐसे नहीं जो बोलता है कि मेरा साम्राज्य मनुस्मृति के अनुसार चलेगा। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि उसे कोई नहीं मानता तो उसे एनफोर्स करने के लिए कोई एजेंसी होनी चाहिए, कोई पुलिस होनी चाहिए। मैं और आप मनुस्मृति को नहीं मानते, कौन हमें कुछ कहता? हमने तो पढ़ी भी नहीं है, मैंने तो स्पेशली पढ़ी नहीं है। हाँ, मुझे भी बाद में पढ़नी पड़ी, जानना पड़ी कि इसमें क्या है। हमारी पूरे इतिहास में ऐसा आपको एक भी उल्लेख नहीं मिलता। तो ये तो उन्होंने जिसे ना अमेरिकन भाषा में फॉल गाय बोलते हैं, किसी को फंसाना है, तो मनुस्मृति को फंसाने के लिए, मलाइन करने के लिए उसको जला देते हैं। अगर वास्तविकता में मनुस्मृति पढ़ लेंगे तो उसमें जलाने वाला कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका सबसे वोकल विरोध कौन करते हैं? ये नकली असली पेरियारवादी और नकली अंबेडकरवादी। ट्रू। ये क्या बोलते हैं जी, इसने ऑपरेशन किया है, ब्राह्मणिकल किताब है। वो किताब क्या बोलती है कि अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उस पर फाइन लगाना आपको। अगर चोरी करने वाला शूद्र है तो उसने मान लीजिए 1 रुपया चुराया है तो उसको 8 गुना फाइन देना पड़ेगा, 8 रुपये देने पड़ेंगे। यदि वो वैश्य है तो उसको 16 गुना देना पड़ेगा, 16 रुपये देने हैं। क्षत्रिय है तो उसको 32 रुपये देने हैं। और ब्राह्मण है जिसके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पर उसको हमने सम्मान दिया होगा क्योंकि हम मानते हैं कि उसके पास विवेक बुद्धि सबसे अधिक है, तो उसको 1 रुपया चोरी करने पे 64 रुपये का या 100 रुपये का या 128 रुपये का फाइन लगता है। तो पॉइंट ये है कि जिसे वो ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने एक इस तरह का ऑपरेसिव सिस्टम बताया, वो सबसे ज्यादा ऑपरेशन तो फिर ब्राह्मणों का कर रहा है। सही बात। तो अगर इस तरह की बेनिटोक्रेसी है किसी किताब में तो उसका सम्मान होना चाहिए कि उसे जलाना चाहिए। तो जलाने वाली किताब आपने ठीक बोला, उसमें तो साहस ही नहीं है इनके अंदर कि उसकी बात भी कर सके। सर, आपने बाबा साहेब अंबेडकर की बात की, मुसलमान हमारे ही हिंदुओं में जो दबा हुआ वर्ग है, मैं दलित शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस शब्द के प्रयोग से वो हमें डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमारा जो दबा हुआ वर्ग है उसको जय भीम जय मीम के नारे देकर हमें अलग करना चाहते हैं। सही मायने में बाबा साहेब अंबेडकर के मुसलमानों के बारे में विचार क्या थे? जी, पहली चीज तो भीमराव राम जी अम्बेडकर, उनके नाम में राम जी आता है तो हमें ध्यान रखना। दूसरा ये कि हर व्यक्ति की तरह
जो अम्बेडकर थे उनमें भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है, कुछ कमियां भी रहती हैं, हर किसी में होती हूँ। हमारे यहाँ क्या एक बीमारी बन गई कि हर किसी को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके बारे में ना कुछ बुरा बोलें ना उनकी बात कर सकें। तो लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की क्या विशेषता थी कि वो जो बात बोलते थे डंके की चोट पे बोलते हैं। ऐसे समय में जिसे महात्मा गांधी बोलते हैं, जब उसमें साहस नहीं होता था कि वो इस्लाम की वास्तविकता बता सके, उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे डंके की चोट पर इस्लाम की वास्तविकता सामने उजागर की कि ये जो अपने आप को बोलते हैं कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, कि हम तो विश्व भाईचारे की बात करते हैं, वो भाईचारा मुसलमान का मुसलमान के साथ हो सकता है, किसी और के साथ नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि जितना ये अपनी महिलाओं को शोषण करके रखते हैं, उनको दबा के रखते हैं, उतना किसी भी समाज ने कभी नहीं किया, ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला है। तीसरा उन्होंने ये जो बात आज हो रही है हमारे देश में और पाकिस्तान में, उन्होंने ये तब इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर हमने वहां से हिंदुओं को नहीं निकाला तो ये जो इस्लामी हैं ये वहां पर हिंदुओं का नरसंहार कर देंगे। वही हुआ, हो गया। तो ये जो जय भीम जय भीम लग रहा है ना, उसमें आप देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होता है कि आपको एक नकली प्यादा खड़ा कर देना है जो दिखने में नाम से हिंदू होगा लेकिन उसकी फंडिंग सारी ISI से हो रही होगी, ISIS से हो रही होगी, PFI से हो रही होगी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर के इस्लाम वाले शब्द नहीं बोलेगा, वो केवल हिंदुओं को गरियाने की बात करेगा। तो ये जो आर्टिफिशियल एक कंस्ट्रक्ट उन्होंने बनाया है, ये फिर से बात वही है कि इस्लाम ने मोहम्मद के समय से क्या किया, यहूदियों के साथ किया था इन्होंने, कि वहाँ के 3 कबीले थे मदीना के, उनको आपस में बांट दिया, फिर एक एक करके उनको समाप्त कर दिया। वही स्ट्रैटेजी ये हमारे देश में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका इस्लाम में एक फ्रेज है, उसे बोलते हैं सियासत मदीना या सियासत मदैन बोला जाता है, कि जिस समाज को आपने ओवर पावर कर रहे हैं, जिसको कन्वर्ट करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनको आपस में लड़ा के फिर इनको जब कमजोर हो जाते हैं तो कन्वर्ट कर। सिखों के साथ हाँ यही किया जा रहा है कि उनको हिंदू से अलग कर दो, कि सिख तो अलग है, एक बार अलग कर दिए फिर उनको कन्वर्ट करना आसान है, जैसे अफगानिस्तान में कर लिया, पाकिस्तान में कर लिया, वैसे ही उनका प्रयास है कि देश भर संसार भर में उनको कन्वर्ट कर लें। ठीक वैसे ही ये फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दो कि एक अपर कास्ट थे जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया था, अब इनसे बदला लेना, जबकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आप देखोगे तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। फिर क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये अपनी किताबों में लिख के बताया कि किस प्रकार से जो बुद्धिज्म था, जो बौद्ध मत था, आज का जो अफगानिस्तान है, आज का जो मिडल ईस्ट है इधर का, उस समय बौद्ध मत फैला हुआ था, उसका विनाश किसने किया, इस्लाम ने। और एक खास चीज इसमें ध्यान रखी जो डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, मुसलमान क्या बोलते हैं कि बुत परस्ती करने वाला काफिर है। बुत परस्ती, यहाँ पे बुत शब्द कहाँ से आया है, वो बुद्ध से आया है, कि बुद्ध की क्योंकि प्रतिमाएं वहां बनी हुई थी तो उन्हें लगा कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो बुद्ध की पूजा करते हैं। तो आज जब वो ये बोलते हैं ना कि डॉक्टर अम्बेडकर तो बुद्धिस्ट बन गए थे, तो वही अब जय भीम जय भीम जब करते हैं, तो सबसे बड़ी इसमें विरोधाभास यही है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर के सारे नियमों के विरोध में है। सही बात है। हम लास्ट 2 प्रश्न लेंगे। आपने बीच में कहीं पर गांधी जी की भी बात की, हम जानते हैं कि गांधी जी मुसलमानों के कहीं ना कहीं हितेशी थे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन है हिंदू नरसंहार के ऊपर, उसका एक ऑडिट होना चाहिए। उनके देखते देखते जो मोपला में जो मोपला नरसंहार किया गया हिंदुओं का, उसे मान लेते हैं कि पहली बार हुआ गांधी के सामने। गांधी ने उसको पूरा डिनाई कर दिया कि नहीं हुआ, जबकि उन्हीं के समय में जो एनी बेसेंट है और डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्होंने गांधी की भी आलोचना की कि तुम इतने बड़े नरसंहार को इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते, जिसने इस्लामी शक्तियों को पुष्ट किया यहाँ पे। उस समय जो खिलाफत चली, अब खिलाफत आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन गांधी ने
उसमें वो जो अली बंधु थे उनको जोड़कर इनके मौलानाओं को लेजिटिमेसी, वहीं से जो आज की तबलीगी जमात निकलती है उसके रूट्स वहां जुड़ते हैं, जमियात उलेमाए हिंद है उसके रूट्स यहीं से जुड़ते हैं, देवबंद है उसके रूट्स यहीं से जुड़ते हैं। तो आज जो तालिबान है वो गांधी जी के उन्हीं कुकृत्यों का परिणाम है। मतलब आपके हिसाब से गांधी जी ने इस्लामिक आइडियोलॉजी को और सशक्त किया? और नहीं, उन्हीं ने सशक्त किया, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में जो ये इस्लामी शक्तियां थी वो ऑलमोस्ट मृत प्राय हो चुकी थी, संसार भर में उनका नाम लेवा नहीं था। या याद कीजिए, कॉलोनियलिज्म का पीरियड था, वेस्टर्न पावर सब जगह पावरफुल थी, टर्की में खिलाफत को समाप्त कर दिया गया था, इस्लाम उस समय अपनी क्या बोलते हैं अंतिम सांसें गिन रहा था, जिसे गांधी ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उसको पुनर्जीवित किया। ऐसा क्यों किया होगा सर? क्षुद्र राजनीति। जब हम ये बात करें कि ये जो जय भीम जय भीम चलता है, और आज हमारे पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, ये इनको पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं, ये दलित हैं, अति दलित हैं, ये जो नई नई टर्मिनोलॉजी घड़ी जा रही है वो छोटी छोटी राजनीति के लिए, कि अगर हम बांट देंगे तो एक टुकड़ा मेरी वोट बैंक है। गांधी ने उस समय क्या सोचा कि मैं अगर इनको किसी तरह ये दिखा दूं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुए तो मैं सबसे बड़ा नेता बन जाऊंगा। वो जो इस्लामी थे उनके आगे झुकते गए, बिछते गए, लेकिन अल्टीमेटली अपने ही देखते देखते सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू महिलाओं के बलात्कार हुए, नरसंहार हुआ। ये गांधी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वैश्विक नरसंहार को। सर, हमारा हमने पूरे पॉडकास्ट में हमारी अभी क्या परिस्थिति है, क्या थी, उस पर चर्चा की। भविष्य में हम किस तरह से हिंदुओं को, हिंदू या सनातन भी कह सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं? अगर कुछ हमारे वर्ग के लोगों को हिंदू शब्द से दिक्कत हो तो क्या हम हिंदू शब्द की जगह सनातन को अपना सकते हैं, जिससे हम एक हो पाएं? इस देश को भविष्य में किस तरह चलना चाहिए, हमारे बीच में जो डिवाइड है वो किस तरह से ख़त्म करना चाहिए? देखिए, जो हिंदू शब्द है वो सब जानते हैं कि ज्योग्राफिक एंटिटी है, कि जो सिंधु नदी के इधर रहते थे। जब हम हिंदू की बात करते हैं, ठीक है, हमें किसी ने नाम दिया, हमने उसे स्वीकार कर लिया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उसे जब लोकलाइज कर देंगे ना तो हमारी कमी हो जाएगी। क्योंकि जब आप हिंदू बोल रहे हैं तो टेक्निकली एक ज्योग्राफिकल टर्म हो जाती है। हम उस सभ्यता से जो बोलते हैं कृणवंतो विश्वम आर्य, कि हमने पूरे विश्व को आर्य बनाया। आप किनसे बैटल कर रहे हैं? ग्लोबल एम्पायर्स हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्या बोलते हैं? हमने पूरे संसार को कन्वर्ट करना। तो अगर हम ज्योग्राफी में अपने आप को लिमिट कर लेंगे तो हमने पहली हार वहीं पे स्वीकार कर ली। हमें जब हम सनातनी की बात करते हैं तो सनातनी कोई भी हो सकता है। अपने लोग कई बारी अपने छोटी दृष्टि के कारण क्या करते हैं कि अगर कोई विदेशी है, विदेशों में बहुत लोग हैं जो सनातनी बनना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये तो गोरी चमड़ी वाला है, ये सनातनी नहीं हो सकता। उसे बोलेंगे तुम तो विदेशी हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते। तो हमें इससे बाहर निकलना है कि हम अभी एक ग्लोबल वॉर में हैं, ग्लोबल नैरेटिव वॉर है, ग्लोबल सिविलाइजेशनल वॉर है। तो हमारी दृष्टि, अगर हम भविष्य में सर्वाइव करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसे ग्लोबल लेके चलना है। दूसरा, क्योंकि शब्द यहाँ पर वेपन की तरह काम करते हैं, तो शब्द आपका ग्लोबल होना चाहिए। तो हिंदू को दरकिनार मत कीजिए, उसे नेगेटिव मत सोचिए, लेकिन सनातनी को अपना लीजिए। ये पहली चीज है। दूसरा आता है कि हम इसमें कैसे लड़े। ये जो हमें पिछली तीन पीढ़ियों से मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के माध्यम से हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स भरा गया है, उसको उतार के फेंक दो। क्योंकि हमारी विचारधारा से बेहतर विचारधारा ना इस्लाम है ना ईसाइत है, जो अपने आप को ग्लोबल मानते हैं। आप उनको एक बार खोल के पढ़ लेंगे, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। जब आप इस आत्मस्वाभिमान से, आत्मगौरव से खड़े होंगे तो आप में स्वयं बोध आ गया। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज एक हिंदू को हिंदू होने का, एक सनातनी को सनातनी होने का अर्थ ही पता नहीं है। सही बात है, ये समझ जाइए आप।
दूसरा जो ये बैटल फील्ड है कि शत्रु बोध क्या है, शत्रु कौन है, उसे समझ जाइए, पहचान लीजिए। अब आपने बीच में एक बात बोली कि सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होते, बात तो ठीक है। अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपने शराब पी रखी है, तो पुलिस वाला आपका चालान काटता है, ठीक। आप उसे अगर ये कहें कि भैया ठीक है मैंने शराब पी रखी है, लेकिन क्या सारे शराबी एक्सीडेंट करते हैं? नहीं करते, लेकिन शराब पिए तो एक्सीडेंट होने की संभावना तो उतनी बढ़ जाती है, इसलिए चालान कटता है कि आप नहीं पिए। ठीक वैसे ही जो मुसलमान कुरान के अकॉर्डिंग चलना, हर मुसलमान को चालान नहीं काट सकते, बुरा नहीं है, जो कुरान के अकॉर्डिंग चलना चाहता है वो क्या करना चाहता है? किताब फी सबीलिल्लाह, किताब फी सबीलिल्लाह क्या है कि हर गैर मुसलमान उसके लिए शत्रु है, उसे वो मारना चाहता है। तो मेरे पास अपना राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ है कि नहीं है? सही बात है। जिसके पास बाइबल है वो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहता है, तो हर इनफिडल को मारना चाहता है क्योंकि उसका बिब्लिकल गॉड उसको ही बोलता है। तो मुझे पहला स्टेप उसे समझाने का, समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो हमें पता है कि हमारा शत्रु है, सीधा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात करो, उन्हें बताओ कि ये हमारे देश को तोड़ने की बात है, इसको खत्म किया जाए। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें अपने संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो पॉलिटिकल लेवल पे होगा, कि हमने क्या किया, ये जो प्रेडेटरी आइडियोलॉजीज हैं जो दूसरे को कन्वर्ट करना चाहती हैं, वो हमारे देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमने उसे माइनॉरिटी बोल के उनको प्रोटेक्शन दे रखी है। होना इससे रिवर्स ये था कि जितने लोग हमारे देश में मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, इनके बारे में गांधी ने और स्वामी विवेकानंद ने दोनों ने क्या बोला हुआ है कि इनको वापस लाओ। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके दो आइडियल हैं जिनके वो सबके सामने बात करते हैं, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, वन हिंदू कन्वर्टिंग इज नॉट ओनली हिंदू लेस बट एन एनिमी मोर। इससे अधिक स्पष्टता नहीं हो सकती। तो आप इन लोगों को वापस लाइए, उनकी घर वापसी करवाइए। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के बजाय घर वापसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, घर वापसी कमीशन होना चाहिए जो इनको वापस लाए। क्यों लाए? क्योंकि ये जो विचारधारा है सबसे पहले मुसलमान को और ईसाई को अपना शिकार बनाती है, वो विक्टिम बनता है, वो नफरत सीखता है, वो नफरत सीखता है, वो महिलाओं को इंफीरियर मानना शुरू करता है, वो पर्यावरण की सुरक्षा करना बंद कर देता है। तो जब हम इनको वापस घर वापसी करवाएंगे तो हम इन्हें सनातन विचारधारा में लेके आ रहे हैं, जो बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसे मोदी जी भी जिसकी बात करते हैं, जो बताता है कि हम सब विश्व स्तर पे भाई हैं। वो उम्मा की बात नहीं करता, वो विश्व बंधुत्व की बात करता है, वो पर्यावरण को बचाने की बात करता है, वो बोलता है प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मानव जाति की भी नहीं बात करते हैं, तो प्राणियों की बात करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो उल्टी दिशा में भागना शुरू कर चुके हैं कि माइनॉरिटी के नाम पे इनको संरक्षण दे रहे हैं और उनको पूरा एक मंत्रालय दे रखा है, रिवर्स काम करें ताकि देश को भी बचाएं और विश्व को भी बचाएं। नीरज जी, आज हमने भारतवर्ष की बहुत सारी समस्या और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात की, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम वापस भी आपका ज्ञान लेते रहेंगे। वियतनाम में आने के लिए नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।